हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरेटरिक स्ट्रिक्चर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरेटरिक स्ट्रिक्चर क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे यूरेटर में नैरोइंग हो जाती है, यूरेटर पतला हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग यूरेटरिक स्ट्रिक्चर कहते हैं। यूरेटर एक तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को कैरी करता है किडनी से लेकर ब्लैडर तक, और जब ये कंडीशन होती है तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, और पेन उन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया में हो सकता है या फिर उन्हें बैक साइड में कमर की तरफ हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को लॉइन लंप भी फील हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फ्लैंक एरिया में पर्सन को टेंडरनेस फील हो सकती है। यूरेटरिक स्ट्रक्चर वालों में एक सिम्टम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि उन्हें बार बार यूटीआई होने लग जाता है। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को यूरेटर में स्ट्रक्चर हो चुका है, नैरोइंग हो चुकी है, तो उन्हें रिकरेंट इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को यूरेटरिक स्ट्रक्चर होने का। तो इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है किसी भी तरीके का ट्रॉमा। अगर किसी पर्सन को एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने कराई है, कोई सर्जरी कराई है, तो उस सर्जरी के बाद भी उन्हें स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। कई सारी कंडीशंस होती है जैसे कि यूरेटरिक स्टोन, मतलब स्टोन का फॉर्मेशन होना किडनी में और वो स्टोन यूरेटर में आके फंस जाना। अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन किडनी की यूरेट्रोस्कोपी कराए तो उनको भी इन फ्यूचर ये कंडीशन हो सकती है। यूरेटरिक स्ट्रक्चर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी हो सकती है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है गोनोरिया। अगर किसी पर्सन को गोनोरिया है तो उनको इन फ्यूचर ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चीमाफीला मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को 15-20 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नीशिया म्यूरेटिका मेडिसिन को 30 डोज में यूज़ कर सकते हैं। आप कैंथेरिस 30 डोज में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रक्चर को कम करने के लिए थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूरेटरिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।